हेलो गाइस, वेलकम टू आरसी अकाउंटिंग एंड सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक्सेल में स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग डेट के कॉलम पे जाते हैं। आप देख सकते हैं डेट के कॉलम मैंने एक ड्रॉप डाउन लगा रखा है। ड्रॉप डाउन क्यों लगा रखा है? ताकि हम लोगों को डेट बार बार लिखनी ना पड़े, हम ईजी वे में उसे सेलेक्ट करके फटाफट अपना काम कर सकें। तो ड्रॉप डाउन कैसे लगता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको एलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सोर्सेज में जोन सी चीज, चाहे वो डेट हो चाहे वो हमारा प्रोडक्ट नेम हो, उसको हमें सेलेक्ट करके सोर्सेज में डालना है। उसके बाद ओके कर देना है, आपका ये ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। अब ड्रॉप डाउन में जैसे आपने डेट लिखी हुई है तो इस डेट को सारे कॉलम्स में आप ड्रॉप डाउन लेकर भी कर सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट करके रखिए तो आपके पास हर एक डे की डेट आ जाएगी, जैसे 25, 26, 27, 28, 29। नहीं तो इसे सेलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल डी प्रेस कीजिए तो आपके पास ऊपर वाली डेट शो हो जाएगी। ये देखिए, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉप डाउन अप्लाई कर रखा है, यूज कर रखा है प्रोडक्ट में एंड ड्रॉप डाउन। तो इसके लिए मैंने, ये देखिए, वैसे ही सेम प्रोसीजर होगी। ड्रॉप डाउन में गए, हम लोगों ने प्रोडक्ट इजिली सेलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कीबोर्ड से लेके लैपटॉप तक है। इसमें भी आपका कीबोर्ड से लेके लास्ट लैपटॉप तक सारे प्रोडक्ट मेंशन हो चुके हैं। अब आपको जो से प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, जो से सेल करने हैं, आप प्रोडक्ट परचेज और सेल में ये वाला ड्रॉप डाउन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने परचेज कॉलम में मैंने प्रोडक्ट्स के उसमें माउस, LED, UPS, USB, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, यहीं से सेलेक्ट करा है सारा। प्रिंटर ये हमने UPS ले लिया है। ओके, नेक्स्ट आज टर्न आती है हमारी क्वांटिटीज़ की। क्वांटिटीज़ में हमने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं इसमें, जैसे माउस की में 100 माउस हमने परचेज करने हैं, LED 65, ऐसी हमने क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सेल में हमने कुछ परचेज में कुछ प्रोडक्ट्स हमने सेल करे हैं, उसकी क्वांटिटीज़ हमने लिखी है। जैसे माउस हमने 100 परचेज किए थे तो माउस हमने 30 सेल कर दी हैं, कीबोर्ड 45 परचेज किए थे, कीबोर्ड 25 सेल कर दी हैं, LED हमने कितनी LED परचेज की थी, 65, तो हमने 58 सेल कर दी है। ओके, अब आपको जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे मैंने 45, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कीबोर्ड की जो क्वांटिटी परचेज लिखी हुई 45, वो यहाँ कैसे शो हो रही है? यहाँ मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रखा है? इक्वल टू समिफ में डबल क्लिक करेंगे, रेंज जो हमारी ये रेंज होती है, ओके, इसे ब्लॉक करेंगे ताकि हर एक कॉलम में आ जाएगी। F4 से ब्लॉक किया जाए, कोमा, क्राइटेरिया, ये हमारे क्राइटेरिया, हमने स्टॉक की प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया ले लिया। F4 कोमा सम ऑफ रेंज, ये क्वांटिटीज की सम ऑफ रेंज आ गई है, उसके बाद हम लोग इसमें F4 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया है। ओके, अब इसे सब में लाने के लिए लास्ट में ये प्लस का साइन, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं जितने प्रोडक्ट्स हमने परचेज और सेल करे थे वो सारे के सारे परचेज की क्वांटिटीज यहाँ पे शो हो गई है। सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर रखा है सेल के लिए। ओके, इसमें भी हम लोग, ये देखिए, लास्ट में जाके इस पूरे उसमें आ गया। तो जितना परचेज करते जितना सेल करते तो सारी क्वांटिटीज यहाँ पे शो हो गई, जो हमने सेल नहीं करी उसके आगे जीरो मेंशन हो गया। अब बात आती है स्टॉक की। स्टॉक निकालना बहुत ईजी है, हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल टू परचेज सेलेक्ट करेंगे, परचेज में सेल को माइनस करेंगे, माइनस सेल सेलेक्ट किया, एंटर करा तो देख सकते 45 में से 25 माइनस करा तो हमारा जो सेल की
45 से 25 माइनस करा तो हमारी स्टॉक की जो अमाउंट है वो शो के आ गई है। ओके यही हम सब में अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये सारी की सारी हमारे पास शो हो गई है। माउस 100 हमने परचेज की थी, कितने सेल करे 30 सेल करे, तो ये हमारा जितना बैलेंस हो वो सारा स्टॉक में आ गया है। ओके तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में हम लोग कैसे शॉर्टकट की यूज़ करके हम लोग अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। ओके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।